जो वैकेंसी 22 में आई वो भी क्लियर हो गई, 23 में आया वो भी क्लियर, हम लोग का 19 का वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। सत्रह दिन से लगातार आ रहे हैं, जब तक डॉक्यूमेंटेशन दूसरी बार हो चुका है, हम लोग डेली आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके हम लोग को बाहर भेज दिया जाता है। पटना का गांधी मैदान 2 नवंबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। कारण यह है कि लगभग लाखों नव नियुक्त शिक्षकों को नौकरी मिलने जा रही है और नियुक्ति पत्र देने की बातें हैं, चूँकि तेजस्वी यादव ने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें जो पहली पाली है वो शिक्षकों की बहाली को लेकर के। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए, युवाओं की जो तादाद है वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर है और जो स्लोगन लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं वो किडनी ले लो लेकिन रिजल्ट दे दो। ये सभी कैंडिडेट्स हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आप लोग किसके। मैम, हम लोग सहायक अभियंता का एग्ज़ाम 2020 में दिए थे, 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी। मैम इसके बाद 2020 में रिजल्ट आया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फाइनली कोर्ट केस हो गया उस पर। कॉन्ट्रेक्चुअल यही जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो कोर्ट केस कर दिए, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया। मैम 1.5 साल के बाद फिर से रिजल्ट कोर्ट केस का रिजल्ट आया, उसमें 25% वेटेज दे दिया गया, मतलब 400। मेन कंसर्न आज का ये है कि आज अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं तो हम लोग पर कोर्ट केस हो जाएगा, और कोर्ट केस की यहाँ का एक खेल हो गया है, जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्स, कि कोर्ट केस कर दो या वैकेंसी को डिले करवा दो। ये वैकेंसी 19 की है, आज कितना 24 आने वाला है, 5 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है। मैम द मेजर कॉन्सर्न इज डैट इफ देर इज एनी डिले इन द पब्लिशिंग ऑफ फाइनल रिजल्ट, इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चेयरमैन सर दे अंडरस्टैंड वेरी वेल, इफ टूडे रिजल्ट है नॉट पब्लिश्ड, आवर वैकेंसी इज गोइंग टू बी आइदर टूडे और सुनर गोइंग टू बी एक्सपेल्ड। सो माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू जस्ट पब्लिश द रिजल्ट सो आवर वैकेंसी गेट शिफ्ट एंड वी कुड सर्व फॉर आवर स्टेट। कब से आप लोग आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैम। आप ये वैकेंसी है 2019 के, 2022 में एग्ज़ाम भी होता है 12th और 13th मार्च को, जून में रिजल्ट आती है, जून में रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए उसकी जगह कोर्ट केस हो जाता है स्टे, तो उसके बाद उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पर एएन जो काम करते हैं उनको अलग से वेटेज दे दिया गया, वेटेज देना था तो वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और वेटेज दे दिया। हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ दोस्त बाहर भी हो गए, मगर फिर भी हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हुए रिजल्ट फिर से रिवाइज रिजल्ट आया, जिसमें हम लोग कुछ दोस्त बाहर भी हो गए। अब ये लोग डिले क्यों कर रहा है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब डिले होगा तो फिर कल से कोर्ट केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो चुका है ऑलरेडी, फिर से एसटीए लग जाएगा। सो इफ चेयरमैन कैन अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम ग्रीवेंसेज दे कैन इजली सॉर्ट इट आउट। लोग चेयरमैन सर से आए थे मिलने के लिए, क्या मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट 17 दिन से लगातार आ रहे हैं, जब तक डॉक्यूमेंटेशन दूसरी बार हो चुका है, हम लोग डेली आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके हम लोग को बाहर भेज दिया जाता है, इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए मीडिया कर्मी को बुलाया गया है कि हमारी बात पहुँचाया जाए, क्योंकि हम लोग की बात तो सुन नहीं रहे हैं। तो हम लोग का आज गुजारिश है कि आज का आज ही रिजल्ट दिया जाए, अगर डिले होता है तो फिर से कोर्ट केस हो चुका है, और उसमें फिर से सिर्फ कोर्ट केस डिले करने के लिए होता है, कोई वाजिब वजह नहीं होता उनके पास, सिर्फ डिले वैकेंसी को जितना डिले करवाना चाहते हैं वो डिले करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, क्योंकि उस पोजीशन पे वो रहना चाहते हैं। अब लोग मतलब सारा एग्जाम पास कर चुके हैं, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। फाइनल रिजल्ट है, बोले थे कि एक दिन में फाइनल रिजल्ट देंगे, फाइनल रिजल्ट बस। जी मैम, सिर्फ ऑफिस में 2 घंटे का काम है कि जिसमें हम लोग का सिर्फ मेरिट लिस्ट जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का 16 और 17 तारीख को हो गया, 2 सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन अभी भी वो दो घंटे का काम नहीं हो पा रहा है। मैम यही डर है कि फिर से अगर हम लोग स्टे लग जाएगा तो फिर 1.5-2 साल क्या वो वैकेंसी रहेगी कि नहीं, वो हम भी नहीं जानते। मेजर कंसर्न ये है कि कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, टाइम पीरियड में एक ऑर्डर मान लिया डिस्टर्ब हो गया, 2 ऑर्डर हम लोग का ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट पब्लिश हो गए, 19 के कोई भी वैकेंसी अभी तक सभी वैकेंसी क्लियर हो गई, हम लोग का 19 का वैकेंसी, जो वैकेंसी 22 में आई वो भी क्लियर हो गई, 23 में आया वो भी क्लियर, हम लोग का 19 का वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। सर को ये बात, हम लोग का यही कंसर्न है कि देखिए सारे युवा है और तेजस्वी जी युवाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर कहना है ये सभी जो सहायक अभियंता है सारे जितने भी इन लोग का एग्जाम्स थे वो सारे पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब देखिए कि जिस तरीके से टीचर्स के जो बहाली आए थे
अब तक जो है पहली के साथ परीक्षा ले लिया गया, रिजल्ट जारी कर दिया गया, दूसरी ओर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया, यानी कि 60 दिनों के भीतर सारे काम कर दिए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन जो सहायक अभियंता है उनका बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना है। ऐसे में अगर आज इन लोग का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो फिर कोर्ट केस हो जाएगा और ऐसे में फिर ये लोग का जो लाइफ है, जो नौकरी की बात है, वो सामने हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में आए बीपीएससी ऑफिस और चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिजल्ट जारी कर दे, अन्यथा अगर कोर्ट केस हो जाएगा तो फिर ये लोग कहीं के न रहेंगे। अब देखना होगा कि चेयरमैन सर कब तक इन लोगों की बातें सुन लेते हैं, लेकिन तत्काल जो युवा वर्ग है बेहद परेशान है। फिलहाल के लिए ताई बरेखा से पटना संकेत सिंह की रिपोर्ट।